क्वेश्चन क्या था वो, लिमिट बोलना वन प्लस एक्स ई की पावर वन प्लस एक्स वाला, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ई की पावर एक्स और सारे की पावर, ठीक है। देखो एक तो मैथमेटिक्स में आप ध्यान रखो, जब भी हमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिलती है तो हमें क्या लेना पड़ता है, लॉग। अगर इसको वाई पल मान लो तो लॉग, या आप ये समझ लें ऐसा ही कर लो आप, लॉग वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स, ठीक है। जितने फार्मूले हैं, चाहे साइन एक्स का है, टेन इनवर्स कोस एक्स का है, या साइन इनवर्स एक्स के हैं, चाहे लॉग के हैं, चाहे ई की पावर के हैं, सबका एक्सपेंशन हमें एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स तक पता होना चाहिए, यानी कि थ्री नंबर्स तक या थ्री टर्म्स तक, ठीक है। उसको लिखेंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स, ये क्या होगा वन माइनस एक्स, यहाँ पे हम इसका टू टर्म तक कर लेते हैं स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ठीक है। ये आएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू एज दैट माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। वन और वन टू एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे टू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर नो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, टू से टू कैंसिल, एक्स स्क्वायर से यहाँ टोटल कितना आ गया वन, और वन की समय आए ऑप्शन बोलना क्या क्वालिफाई थे बने थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को रोक देते हैं, पहले जरा और क्वेश्चन कर लें। क्योंकि देखिए लिमिट के जो क्वेश्चन है ये हैं प्रैक्टिस के, बिना प्रैक्टिस के नहीं ये पॉसिबल हैं कि इनको हम कर लेंगे। और रही आपके ट्वेल्थ लेवल की, ट्वेल्थ लेवल पे तो वो ना के बराबर क्वेश्चन है, क्योंकि सारे अधिकतर किस चीज़ के हैं, पोलोनोमियल्स के हैं,
सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको पोलोनोमियल्स के। देखिए अब मैं लिमिट्स निकालने की सूची की सैंड क्रीक है, ठीक है, हिमालय। अगर हमें क्वेश्चन देखते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। नंबर एक आपकी जो है, नंबर एक है, अगर कहीं पे एक्सप्रेशन 1 + x^n है, उसको क्या लिखते हैं, 1 + nx n इंटू एन माइनस वन कॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे वी नेगलेक्ट हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर का मतलब हमें ज़्यादा हायर ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं तक हमारा 99% केसेस में प्रॉब्लम सोल्व होती है। कब, अगर इस तरह का कोई फंक्शन दिया हो और x टेंड टू क्या दिया हुआ हो हमारा 0, तो हमारा जो काम हो जाता है बस इतने से ही हो जाता है, 1 + x^n = 1 + nx लिखने से हमारा हो जाता है, ठीक है। अगर इसके लिए हम एक एग्जांपल लें, अगर एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 √(1 − x^2 − √(1 + x^2)/2x), समझे। अब इसमें नॉर्मली क्या है, अगर हम इसको क्वेश्चन करें और हमें इस चीज़ की ना जानकारी हो तो हम क्या करेंगे, सर रेशनलाइज करेंगे, पहले से रेशनलाइज करेंगे, फिर जो इसमें x के हाईएस्ट पावर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से वो कॉमन लेनी पड़ सकती है, तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम इस ट्रिक से करते हैं तो लिक्विड एक्स टेंड टू 0, ये 1 − 1 − x^2 की कितनी पावर है, 1/2 है ना, 1 − x^2 की पावर 1/2 −1 + x^2 की पावर 1/2 / 2x^2 लिख लिया हमने। और आपने पढ़ा होगा एक्स टेंड टू क्या है, छोटी नंबर है, डेफिनेट इट विल बी लेस देन 1 होगी जब टेंडिंग टू 0 हो रहा है। और बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, ये कब लगता है, n कैसा हो, ये x कैसा होता है भाई, जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी आपने तो उसमें 1 + x^n का एक्सपेंशन हम ये लिखते हैं, लेकिन उसमें x की वैल्यू लेस देन 1 होती है तभी तो लगता है। दूसरी कंडीशन, n जो है या तो नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन होगा, ठीक, पढ़ाने का है 12th की बुक में देखना बाइनोमियल में, पढ़ाई बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले जितने भी फार्मूले हैं उनको डिस्कस होंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन तो कहीं से भी करते रहो, कंसेप्ट है आपको पता लगाने के। और अगर ये एक एक्सपेंशन पढ़ते हैं हम x + a^n का पढ़ते हैं, ठीक है, इनकी 2-3 कंडीशन है अपना देखना, क्योंकि यहाँ मेरा टॉपिक है लिमिट्स का। इसको क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1 + 1 − क्या हो जाएगा 2x^2 पहले से, भाई 2 ही टर्म तक चलते हैं, तीसरी लेनी नहीं हमें, माइनस उससे क्या हो जाएगा 1 − 1/2 x^2 अपॉन 1 से
हाफ एक्स स्क्वायर, हाफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से कितना आया लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस वन बाई टू आया ना, एक्स की टर्म बची नहीं तो आंसर क्या आ गया माइनस वन बाई टू। हाँ लाइज से करके देखना, बहुत लेंथी पड़ेगा, लिखना चाहो लिख लो, वो तो आगे चलता है। ये पैकेज तुम्हारे लिए मैंने बचा के रखा था। क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट एक्स टेंड टू जीरो अंडर रूट वन प्लस टू एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस टू एक्स अपॉन। ठीक है, इसको जो है जो होमवर्क है इसको घर पे कर। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन। इक्वेशन क्या है क्यूब रूट
वन प्लस ए माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू वन प्लस ए माइनस वन एक्स प्लस सिक्स रूट वन प्लस ए माइनस प्लस ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। ए ग्रेटर देन माइनस वन देन लिमिट ए टेंड टू जीरो प्लस अल्फा ए एंड लिमिट ए टेंड टू जीरो प्लस ए बीटा ए आर। ऑप्शन है इसके ए माइनस पाई अपॉन टू एंड वन, बी है माइनस वन बाई टू एंड माइनस वन, सी है वन बाई टू एंड टू, डी है माइनस नाइन अपॉन टू एंड थ्री। ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए एकदम छोड़, यहाँ इतने इसने कहीं क्यूब रूट लगा दिया, कहीं सिक्स रूट लगा दिया, तो क्या किया जाए? देखिए क्वेश्चन को समझो, लेट अल्फा ए एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। अगर ये इसके रूट्स हैं तो इक्वेशन कैसी है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही तो है कि x की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कोफिशिएंट तो हो सकते हैं, पढ़ रखी क्वाड्रेटिक का आपने। अब क्या करें अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ये जो रूट वाली कंडीशन सी दी हुई है इसमें अगर इनको झुका तो छोड़े तो सात जन्म भी इनकी वैल्यू रूट्स इसके फाइंड आउट नहीं होने के, तो इसके रूट्स निकालने हैं। फिर जो रूट्स आएंगे उसकी ए पर राइट हैंड लिमिट और फिर दूसरे रूट की भी ए पर राइट हैंड लिमिट निकालनी, तो उसके रूट निकाल लें। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सॉल्यूशन में किसके द्वारा, बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा, एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की तरह, तो ये क्या आएगा, वन प्लस ए अपॉन थ्री आएगा ना, समझ में आया? इससे क्या आएगा, माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इससे क्या आएगा, वन प्लस वन बाई टू ए माइनस वन एक्स प्लस, इससे क्या आएगा, वन प्लस ए अपॉन सिक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। क्लियर है? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कितना आया, a अपॉन थ्री, उससे a अपॉन टू और उससे a अपॉन इक्वल टू जीरो। अगर इसको सिक्स अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दो, भाई इसका एलसीएम ले लिया ऊपर सारे में कॉमन a ले लिया एक तरह से, ये समझ लीजिए आप, तो कितना होगा, ये आएगा कितना, टू एक्स स्क्वायर और ये 3x और ये फैक्टर कर लें इसके
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। पहले में से टू एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वन, आगे से वन कॉमन, तो एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो चल रहा, इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो इसके जो रूट्स होंगे क्या आएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू और एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। एक रूट अल्फा ए हमारा आएगा माइनस वन, दूसरा रूट बीटा ए आ गया हमारा माइनस वन। अगर हम देखें तो लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस अल्फा ए कितनी हो जाएगी, वन बाई टू तो होगी क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म थोड़ी है जो लिमिट समाग के सॉल्यूशन करेंगे, एज इट इज जो भी है वही लिमिट है। इसी तरह से लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस बीटा ए इक्वल टू माइनस वन और ये माइनस वन बाई टू आंसर हमारा। इतना ही बड़ा क्वेश्चन है और इतना बड़ा इसका आंसर है। Thank you.
ट्रिक नंबर टू, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लव। वी लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर एंड जीरो इन न्यूमरेटर। इफ लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ जी इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एंड बॉब एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल्स आर पॉलिनोमियल्स फॉर एक्स then we divide numerator and denominator numerator and denominator by the highest power of x and put 0 for 1 upon x 1 upon x square लिख लिया भाई ऊपर से तो लिख लिया होगा तो पहले समझ लो उसको समझो सर हमें चलो लिख लो देखो इसमें लिखा हुआ है वी लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर एंड जीरो इन न्यूमरेटर यानी कि हमें जो पसंद है कि इन्फिनिटी कहाँ आए डिनोमिनेटर में आए न्यूमरेटर में नहीं चाहिए क्योंकि अगर न्यूमरेटर में इन्फिनिटी है तो क्या होगा वो जो लिमिट आएगी वो इनफाइनाइट आएगी यानी कि एक तरह से अनडिफाइन आएगी वो हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि वो फिर हमारा फंक्शन ना लिमिट एग्जिस्ट करती ना उसकी कंटिन्यूटी होती ना डिफरेंशिएबिलिटी कुछ नहीं होती तो हमें जो इन्फिनिटी चाहिए वो चाहिए पैरों के नीचे इट मीन्स डिनोमिनेटर में ठीक है
एंड जीरो इज न्यूमरेटर, क्योंकि अगर जीरो न्यूमरेटर में है तो वो सारे फंक्शन को जीरो कर दे तो हमें थोड़ा आसानी हो जा। इसने कहा इफ लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, इससे पहले जो आपको मैंने बताया था बाइनोमियल थ्योरम वाला था उसमें लिमिट एक्सटेंड किसको कर रही थी, जीरो को था ना एक्सटेंड, ठीक है। और यहाँ लिमिट क्या है, एक्सटेंड टू इन्फिनिटी है। दो फंक्शन दिए हुए इस तरह से एफ एक्स अपॉन जी एक्स, किस फॉर्म के हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, एंड बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। एक कंडीशन तो हमें ये ध्यान रखनी है, दूसरी क्या क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल है तब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, और ये हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स निकलेगी पॉलिनोमियल में से, तो जो हाईएस्ट पावर होगी उससे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर फिर हम जो इस तरह के फंक्शन बनेंगे उन सब की वैल्यू जीरो रख देंगे। क्यों रख देंगे, अगर एक्स की वैल्यू इसमें इन्फिनिटी रखो तो क्या होगा भाई, लिमिट हमारी एक्स टेंड टू इन्फिनिटी है, फंक्शन इस फॉर्म के बनेंगे अंदर हमारे, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी जीरो, क्योंकि वी आर डिवाइडिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। क्वेश्चन निकाले लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। वैसे तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि शायद उसका फैक्टर करके कुछ कैंसिल आउट हो करके जो है हम लिमिट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें फैक्टर वाली कंडीशन नहीं है। फैक्टर कहाँ तक पॉसिबल है, या तो क्यूबिक तक या क्वाड्रेटिक तक, उसके बाद तो अगर फैक्टर निकालोगे आत्महत्या के बराबर होगा निकालना, ठीक है। तो हमने देख लिया पहली कंडीशन पॉलिनोमियल्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स कैसी कंडीशन है, अगर इनफाइनेट को रख दो तो इनफाइनेट अपॉन इनफाइनेट की कंडीशन आ रही है ना, तो हाईएस्ट पावर कितनी है सारे में, 4 है, तो डिवाइड करता है हाईएस्ट पावर से, डिवाइडिंग बाई एक्स की 4 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। सो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी ये कितना आएगा, पहले वाला 1, ये कितना आएगा 3 अपॉन, और ये 1 अपॉन, ये कितना आएगा, ठीक है, लिमिट पुट कर दूं, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस, ऐसा ही हैगा, एक्स की पावर 4 प्लस 5 ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या आया, 1 अपॉन 0 आ रहा, इससे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, सॉल्यूशन क्या दिया, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है हमारी हमें डरना नहीं, क्योंकि हमें जो बचना है 0 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस 0 इंटू 1 की पावर 0 की पावर इन्फिनिटी की पावर, ये अगर टर्म आती है अनडिफाइंड है, लेकिन यहाँ क्या है 1 अपॉन, इससे इन्फिनिटी आ रहा, कोई इशू नहीं है।
यहीं पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उसको वर्क करना। लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी टू एक्स की पावर थ्री माइनस सेवन एक्स की फोर प्लस टू अपॉन फाइव एक्स की फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, इसको घर पर करना। एक क्वेश्चन और देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू हो गया, पहले एक दिया था ना उससे पहले। क्वेश्चन नंबर थ्री, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है। इसका आंसर आएगा माइनस सेवन अपॉन फाइव और इसका आंसर होगा रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन फोर। हो जाएगा yes, इस क्वेश्चन के ट्राई करो भी। Thank you.
होगा, फंस गए होगे, इसलिए तो दिया था मैंने, मुझे पता था क्या करोगे। बेटा मैथमेटिक्स है, ये पेन नहीं उठाने देता, समझ रहे? ये वाला क्वेश्चन है ना, लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिटी, अब जरा ट्रिक नंबर एक पढ़ो आप, क्या है और दूसरी कंडीशन, जो एक्सपेंशन करते हैं वो 1 प्लस एक्स की फॉर्म का होता है और ये लेस देन 1 टू है, इसमें कंडीशन है ये 1 प्लस एक्स, अरे एक्स स्क्वायर नहीं है, एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है, यहाँ तो 1 होना चाहिए था, यहाँ अगर एक्स जो भी टर्म थी वो लेस देन 1 होनी चाहिए, और अगर बात करूँ मैं, अगर हम सोचे इसमें x प्लस माइनस ए की पावर n का लगा दे, इसका एक्सपेंशन क्या होता है बताओ मुझे, प्लस ए की पावर n का क्या होता है इसका, मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस n a, मारा तो गोली मार दे, ये नहीं होता सर, ये नहीं होना चाहिए, हैं ये नहीं होता क्या किया था ना, लेकिन वो जो है वो उसके लिए है जब अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना, क्या जीरो है उसका भी, एन सी जीरो, एक्स की पावर एन माइनस जीरो, ये चलता है ना, अब तो ध्यान आ गया, अगर ये प्लस है ये माइनस है तो किसके साथ चलता रहेगा ये माइनस, डेफिनेटली वह चीज तो लगने की नहीं, अब क्लियर होगी ट्रिक 1 तो नहीं चलती इसमें, ट्रिक 2 क्या होगा इसमें, यहाँ x के हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है इसमें, अगर बाहर निकालते तो एक रह जाएगी, यहाँ भी अगर एक निकाल देंगे बाहर निकल जाएगी तो एक रह जाएगी, और यहाँ भी एक है, तो डिवाइड कर दो उसको एक्स स्क्वायर से, इसको अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से एक्स से डिवाइड कर दूं, इसको एक्स से डिवाइड करूं, यह आ जाएगा ना, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूं, ये कितना आएगा रूट थ्री, ये कितना आएगा, Thank you.
और आत्माओं के सिर अष्टगान हो। ये तो बावन प्रार्थना देखे नोट कर लिया भाई, ठीक लग रही ट्रिक ये? ये फालतू की लग रही है, बताओ फालतू की तो है नहीं। कम से कम हम ये तो कर लेंगे, कुछ देख के कुछ आइडिया तो लगा लेंगे। अब है ट्रिक नंबर 3, क्या है? बायो भी चल रही होगी, नहीं अभी कहाँ चल जाएगी, अभी 10 बजे से पहले थोड़ी चल जाएगी, 8:30 से 10 तक तो टाइम था ही, तो 10 से पहले तो चलने की ही नहीं। मजा नहीं आ रहा का मैं? नहीं मजा आ रहा है सर, टेंशन से हो रही है, हमें पता भी ना चले। सर 10 बजे चलेगी फिजिक्स की क्लास भाई, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएंगे, 10 बजे चलेगी क्लास, 10 बजे के बाद सर स्कूल 10 बजे से स्टार्ट होगा। अब टाइम बदल गया ना आज, अभी तो सर्दी नहीं, ये गवर्नमेंट का आदेश होता है, इसमें अपने हाथ में। देखिए कुछ फॉर्म्स दी हुई हैं, अगर इस फॉर्म्स का हमारा क्वेश्चन आएगा तो उसकी डायरेक्ट आपको लिमिट पुट कर देंगे। क्या है लिमिट x टेंड टू 0 cos ax माइनस cos bx upon x square डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, इनमें हर डिसिप्लिन नहीं है। और इस तरह तो कोई भी नहीं चिल्ला सकता। टीचर भी संभाल नहीं पाती इतने बच्चों को।
गया, याद कर लोगे ना? ऊपर के तो लग रहा है, ये इधर के तो हो जाएंगे, ये नीचे वाली ये समझा दे एक बार सर, इसकी वैल्यू तो बनी हो जाएगी। हाँ वन अपॉन इनफिनिटी, समझ लो आप, यहाँ समझ लो लिमिट m टेंड टू इनफिनिटी cos x अपॉन m। अगर m की वैल्यू इनफाइनाइट रखें, दिस विल बी जीरो एंड cos जीरो की वैल्यू वन, और वन की पावर कुछ भी हो क्या आएगा, हमेशा वन आएगा। लिमिट x टेंड टू जीरो cos x a sin bx अपॉन x। अगर x की वैल्यू जीरो रखें तो क्या होगा, cos जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी वन, ये कितना हो जाएगा जीरो, सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो वन प्लस जीरो की पावर इन्फिनिटी आ गया ना, और उसका हमने बता था आंसर क्या होगा, e होता है। वन प्लस जीरो की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, e। यहाँ कॉन्स्टेंट a और b आ गए, इसलिए ई ए बी हो गया। ठीक है, यहाँ तो ए बी दिख रही, कहीं और क्वेश्चन में हो सकता है वो दे दे cos x प्लस टू साइन थ्री एक्स, तो क्या हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, e की पावर सिक्स आंसर आ जाएगा। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी cos x, यहाँ 2, 4, 8, 2 की पावर n टर्म तक चला, इसकी वैल्यू आई sin x अपॉन x। ठीक है, हो तो जाएंगे सारे, इन सबको सॉल्यूशन करने पे यही आएगा, लेकिन लेंथी प्रोसेस है। अगर क्वेश्चन कहीं आता है ऑब्जेक्टिव टाइप तो आप देखो और अपना ठीक कर दो। इंटीग्रल कैलकुलेशन नहीं करते, जो डेफिनेट इंटीग्रल हम करते हैं उसमें हमें कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं, हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 या 1/4 वाले होते हैं ना। यहाँ पे लिमिट x टेंड टू जीरो cos ax माइनस cos bx अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ इसको सारा, क्योंकि इसमें माइनस आएगा रिवर्सिबल करके, इसको b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, इसी के कोरस्पोंडेंस इसे देख लो, cos ax माइनस cos bx जैसा ऊपर था ऐसे ही नीचे, cos cx माइनस cos dx, यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, इसके कोरस्पोंडेंस ही, यानी कि दिस माइनस दिस, दिस स्क्वायर माइनस दिस, दोनों लर्न हो गए। अगर दिया हुआ 1 माइनस कोस एक्स और 1 माइनस कोस बी एक्स, तो इससे क्या आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लिमिट x टेंड टू जीरो cos 25x माइनस cos 9x अपॉन x स्क्वायर, बताइए क्या आंसर आएगा। दिस विल बी 9 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर अपॉन 10 टू 0 1 माइनस cos 3x अपॉन 1 माइनस cos 2x, इसको क्या लिख देंगे, 6 माइनस cos 3x अपॉन cos 2x माइनस cos 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट अगर पुट करते हैं इसकी, ठीक है,
लिमिट x टेंड टू जीरो cos x प्लस 3 sin 2x पावर वन अपॉन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर 4 लिमिट x टेंड टू n टेंड टू इनफिनिटी 1 की पावर p 2 की पावर p 3 की पावर p n की पावर p अपॉन n की पावर q इक्वल टू 1 अपॉन क्यू पी एंड क्यू बिलोंग टू एन एप्लीकेबल ओनली व्हेन क्यू माइनस पी इक्वल टू 1। एग्जाम्पल ये चीज समझ में आई तो नहीं, यहाँ पे 1 2 3 अप टू एन तक जा रहे हैं और सभी की जो पावर है वो पी है, नीचे जो लास्ट टर्म यहाँ एन लिया हुआ है उसी की पावर क्यू है, इसका जो लिमिट आएगी वो 1/q आएगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर है, दूसरा इस Q का और इस P का डिफरेंस 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 की पावर 4 अपॉन n की पावर 5 2 की पावर 4 अपॉन n की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन n की पावर 5 एज एस n की पावर 4 अपॉन n की पावर। ठीक है, समझ में आ गया ना, इनका डिफरेंस भी बना। अगर इनका एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगी सीरीज, 1 की पावर p 2 की पावर p ठीक अपॉन n की पावर 5, 5 और 4 का डिफरेंस 1 है तो आंसर क्या आएगा 1/5। अगर यहाँ पे इसका आंसर हमारा कितना आया 1/5 आया,
बाय द वे ये अगर हमें ना पता हो तो फिर लिमिट क्या रखेंगे, हमें तो कुछ सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा कि करें तो करें क्या इसमें। एन की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रख दें तो आंसर क्या आएगा, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। हाँ अगर हम, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन इसमें दिख ही नहीं रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से कम हो रही, और तो जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद है ट्रिक नंबर 5। अगर हमारा दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसकी वैल्यू होगी n a माइनस n। बता बेटा, फर्स्ट में ही बता था। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 1 x की पावर n माइनस 1 और x की पावर m माइनस 1, ठीक है। क्या होगा उसका, इसके साथ ही चलोगे तो n, इसको इसके साथ ले लो तो इससे क्या आ जाएगा, ये तो सारा बनी है, आंसर क्या आ जाएगा, ठीक। और एक चीज़ हमने पहले बताई थी आपको, अगर कंडीशन 0/0 हो या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी को तो बनाते हैं 0/0 और फिर उसमें क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। सुना है ना, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर कहीं ऐसी कंडीशन है तो सेम हो जाता है, यहाँ डिफरेंशिएशन ही किया गया, एन एक्स एन माइनस वन जीरो आ जाएगा और ये एम एक्स एम माइनस वन ये जीरो आ जाएगा, उसकी वैल्यू वन रख दो। कहीं भी दिख रहा हो ना आपको अगर 0/0 तो उसको एल हॉस्पिटल रूल लॉपिटल रूल लगाइए और वो एंड हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि उससे हमारा क्वेश्चन हो जाए, ऐसा ना हो कि
हम डिफरेंशिएशन में ही फंसे रह जाएं। मान लिया कहीं कोई फ्रैक्शन का या क्या नाम रूट वाला दे दिया तो लेगा बैठ जाएगा फिर, क्योंकि लापिटल रूल और जो मैक्सिमम पावर जो लाप लॉग वाला रूल है उसकी जगह लग जाता है, वो पॉलिनोमियल्स में भी हम उसको लगा देते हैं। अब है ट्रिक नंबर 6, अगर लिमिट आपकी ऐसी दी हुई है, लिमिट देखिए इनको आप लिख लेना जरूर कहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये किसी बुक में दी हुई होगी। आज मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो सारे मिल जाएंगे लेकिन ट्रिक नहीं मुझे लगता किसी बुक में दी हुई हो। K1 की पावर x, K2 की पावर x, K3 की पावर x प्लस डॉट k की पावर n की पावर x अपॉन n की पावर 1 अपॉन x इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू k3 या डॉट डॉट करके kn की पावर 1 अपॉन, समझे? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पी की पावर एक्स क्यू की पावर एक्स आर की पावर एक्स अपॉन 3 की पावर 1 अपॉन एक्स, ठीक है? यहां नंबर ऑफ टर्म कितनी है? नंबर ऑफ एन है तो वही एन आपका नीचे आ गया, और यहां अगर एक्स है सब में तो यहां 1 अपॉन, क्या वही फॉर्म है नंबर ऑफ टर्म 3? तो 3 नंबर नीचे आ गया, यहाँ x है तो 1 अपॉन x है, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ क्या था, जिनकी पावर थी वो मल्टीप्लाई होगी p डॉट q डॉट r, और पावर क्या आएगा 1 अपॉन n, n की जगह कितना है, दैट इज p q r की पावर 1 अपॉन 3। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लो, अगर कहीं क्वेश्चन देखने से मिलेगा ना तुरंत आंसर लगा दोगे आप। क्वेश्चन आते हैं इंडेक्स से? जेई में आते होंगे इंडेक्स से क्वेश्चन लिमिट्स के? हाँ, और आते क्यों नहीं है, ये जेई के लिए ही तो है सारा। अलेवेंथ में था लिमिट्स, अलेवेंथ में था, और कंटिन्यूटी जो था वो है ट्वेल्थ में है, लेकिन वहाँ इतना ही है जैसा ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम है, इससे ज्यादा वहाँ कुछ नहीं होता उससे। एक क्वेश्चन और देख लो, ये है लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी a1 की पावर 1 अपॉन एक्स a2 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ए एन की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन एन
की पावर n है, ठीक है। यहाँ वहां अगर x था तो यहाँ 1/x हो गया था, यहाँ 1/x है तो यहाँ nx हो गया, नंबर ऑफ टर्म ये हो गया। तो उसका क्या आएगा, a1 a2 डॉट डॉट an की पावर 1/n, ठीक है। लेकिन यहाँ फालतू में एक n भी दिया हुआ है, तो क्या आ गया भाई, जो जहां है उसे थोड़ी ला देंगे मैं ना, हम x को ही तो देख रहे हैं, वहां जितनी पावर है वो चुकी तो रहेगी। जब से आप दोनों यहाँ आ रहे हैं और बच्चे पढ़े थे, पढ़ना नहीं चाहते ना बच्चे, अब कहें तो सब हम इंजीनियर बन जाएं, लेकिन मैं देख कर तो वैसे अपना फिर भूत भाग जाऊं, क्योंकि 11 12 का मैं तो हलवा, ये हलवा नहीं है ना। और मुझे लग रहा है आपको जो क्वाड्रेटिक बाइनोमियल सारी भी मैं पढ़ाई हुई हूँ, क्वाड्रेटिक जो पढ़ाई है बाइनोमियल क्या ले भी लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन है कुछ कंसेप्ट मेन है यार, पढ़ाते तो थे सर। Of the type limit n tend to infinity 1/p1q1/p2q2+1/p3q3 dash equal to 1/p1 into सर पूरे सारे से चलेगा, एक चैप्टर आपको दो तीन चैप्टर में, हाँ लगभग नहीं, अब तो कंटिन्यू काफी लेक्चर मैं ही कराऊंगा, कैलकुलस तो कंप्लीट मैं ही कराऊंगा, इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल इक्वेशंस में, सॉरी वेयर मैं तो 2 महीने को ली रहा हूँ, P1, P2, P3 आर इन AP। मेरा पढ़ाया तो समझ में आ जाता होगा, आर इन अंदर AP एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ AP मस्ट बी
सीरीज कैसी होनी चाहिए? ये इनफाइनाइट सीरीज, कभी ना खत्म होने वाली, ठीक है? इसका एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट n tan to infinity 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus dot ठीक है, n tan to infinity है तो कैसी होगी ये? फाइनाइट सीरीज होगी। हमने बताया था क्या देखना था सबसे पहले कि एक तो लिमिट n tan to infinity हो, दूसरी ये सीरीज कैसी हो एपी, एपी में है 2 और 3 5 और 3 8 कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 3 है, ये वाली सीरीज भी एपी में है इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है, तो हमारी जो वह है लागू होगी, ठीक है? तो इसका जो लिमिट आएगी 1 अपॉन p इंटू क्यू माइनस पी आएगी ना, क्यू वन माइनस ये थी, ठीक। तो 1 अपॉन p1 कितना है 2, q1 कितना है 5 माइनस 2, 1 अपॉन 2 इंटू 3 दैट इज 1 अपॉन, ठीक एक क्वेश्चन हो रहा है उसके ऊपर उसे करते करके देखना। लिमिट n tan to infinity 1 upon 3 into 9 plus 1 upon 9 into 15 plus 1 upon 15 into 21 plus that dash plus 1 upon 6 n माइनस 3 6 एन प्लस 3, ठीक है? यानी कि जो आंसर आता है 2 इंटू इनका डिफरेंस 5 में 3 2 गए 3 2 3 जा 6, इसका आंसर कितना आएगा 3 इंटू 6 1 अपॉन, चुटकी मुड़ गया था ना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है? बाकी जो कुछ और बचे हैं कल लिमिट्स डेफिनेटली फेस हो जाएगा और कंटिन्यूटी का थोड़ा स्टार्टअप ले लेंगे, जैसा आपको थोड़ा बताया था इनको भी एक्सप्लेन कर देंगे और आगे फिर बस ये पूछ लेंगे। कल क्लास होगी नहीं आपकी? बताओ कैसे होएगा हमारे मैथ के?
पूछो सर से, पूछो ना, होगी नहीं होगी नहीं, क्या कह रही थी ना कल, मना कर रही थी, पूछो अगर होती हो तो फिर मैं आऊंगी, कल तो छुट्टी है 2 अक्टूबर है, लेकिन परसों को मैं भी पूछ लो, ना भी क्लास थोड़ी चल रही उधर।